म्यूजिक तो रुको जरा सबर एक पल में तुमको मैं बुला दूंगा। हेलो गाइस, तो स्टेटस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके के 3D स्टेटस को बनाना बहुत ही कठिन होगा, कैसे बनाते होंगे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। आप भी अपने गर्लफ्रेंड का खुद के फ़ोटो से इस तरीके के स्टेटस को क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके का 3D लुक ला सकते हैं अपनी वीडियो में। तो उसके लिए लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको क्या करना होगा अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइज यहाँ से आपको इमेज पे क्लिक करना है, ब्लैक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, इसकी लेंथ को आपको बढ़ा देना है जितनी लेंथ का आप स्ट्रेस रखना चाहें। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और गाइज यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब ये वाला आ गया। इसको आपको बड़ा करना है इस तरीके से, यहाँ पर ला के लगा देना है इस तरीके से, लगा दिया हमने। स्क्रॉल करना है और यहाँ तक कर देना है इतना, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, ब्लेड के ऊपर चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लास्ट में आना है, प्लस का आइकॉन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको इसे कर देना है। इतना उसको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बैक आना है, अब ऐसा कुछ लुक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शुरू में आ जाना है, लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और गाइज यहाँ से आपको एक पक्षी वाली वीडियो को ऐड कर लेना होगा। तो गाइज यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ये आ गई, सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको थोड़ा बड़ा करने के बाद नीचे साइड में लगा देना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद इसको आपको करना है शायद मल्टीप्लाई। हाँ, लगा दिया हमने, देख लीजिएगा अच्छा खासा इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद ये बड़ी वीडियो, तो इसको आपको थोड़ा ट्रिम कर देना है। शुरू में आना है, लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और गाइज यहाँ से आपको एक इस वाली PNG को ऐड करना होगा। आपको यहाँ से दिख रही होगी ये बैट वाली PNG, आपको इसे ऐड करना होगा, ये वाली आ गई। इसको आपको बड़ा करना होगा इस तरीके से, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कर लिया, ठीक है। इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल इस साइड में कर देना है ऐसे करके, ठीक है। और स्क्रॉल करके आपको इसे पूरी वीडियो में करना है। उसके बाद शुरू में आ जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट के ऊपर चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बिल्कुल लास्ट में आ जाना है, प्लस का आइकॉन पर क्लिक करना है और इस तरीके से इसे आपको रोटेट कर देना है इतना। तो गाइज अब देख लीजिए ऐसा कुछ लुक आएगा जो डिफरेंट लगता है काफ़ी गजब का। उसके बाद शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और गाइज यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना होगा जिस फोटो से आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। इस तरीके से आपको बड़ा करना है और यहाँ पे लाके लगाना होगा। तो बिल्कुल अभी आपको यहाँ पे लगाना है और स्क्रॉल करना है और आपको इसे बिल्कुल लास्ट तक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, शुरू में आ जाना है, इस पर सिलेक्ट करना है, डिलीट को चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लास्ट में आना है, प्लस का आइकॉन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको इसे रोटेट कर देना होगा। ओके, अब गाइस देख लीजिए ऐसा लुक आ जाएगा काफ़ी गजब का। उसके बाद शुरू में आना है, लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको म्यूजिक और लिरिक्स वाली वीडियो को ऐड कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ, ये वाली वीडियो आ चुकी है, देख सकते हैं आप। सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही है, आपको रख लेना है। वीडियो बड़ी है तो आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। उसका शुरू में आना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टिकर का, आपको उस पर क्लिक करना है, गेट मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपका नेटवर्क को आपको अपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेकोरेटिव सेलिब्रेशन से नीचे, आपको डेकोरेटिव पर जाना है और यहाँ से आपको एक स्टिकर को ढूंढना है। कौन सा ढूंढना है मैं बताता हूँ आपको, नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ से ये ओपन हो जाएगी। मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो है, देख लेता हूँ मैं यहाँ से बाउल वाला, जिससे काफ़ी गजब का लुक आएगा आपकी वीडियो में। तो यहाँ से मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, देख लीजिए ढूंढ लेता हूँ पहले। एक तो बहुत सारे यहाँ से आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है स्टिकर्स, ये वाला, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्पिरेशन बबल्स, ठीक है। 40 MB का है, कुछ समय लेगा डाउनलोड होने में, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, बस 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 हो गया काम, चलीजिए।
यहाँ से हो गया डाउनलोड, उसके बाद बैक आ जाना है और आपको इसे लगा लेना है। कोई सा भी आपको जो पसंद हो आप सिंपली उसे लगा सकते हैं। यही लगा लेता हूँ मैं, पहला वाला ही सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको इसे बड़ा कर देना है और स्क्रॉल करके बिल्कुल लास्ट तक कर देना है। तो गाइस यहाँ से हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, काफ़ी गजब की वीडियो बनी है। तो आप भी इस तरीके से अपने स्टेटस को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी गाइस सिंपली आपका सब कुछ यहाँ से हो चुका है। अब आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ से आपको एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो कर लेना है शेप। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड।